व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। व्यूअर आई फील लाइक ये एक फिजिकल सेपरेशन है, इस रिश्ते में अभी भी इमोशनल सेपरेशन नहीं हुआ। मुझे या आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स, डिफिकल्ट एनर्जीज, गुस्सा या नाराजगी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आई फील लाइक ये पर्सन आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन अभी अपनी वर्क लाइफ में बहुत एंगेज हो। आई फील वो खुद में इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए आपको यहाँ रीच आउट नहीं कर रहे। मुझे ये भी सेंस आ रहा है वो खुद को इस वक्त आपके लायक नहीं समझ रहे। आई गेट अ सेंस कि वो चाह रहे हैं कि पहले वो खुद में स्टेबल एंड सिक्योर हो जाए आपको अप्रोच करने से पहले। उनके माइंड में उनकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है एंड वो ऐसा सा चाह रहे हैं कि पहले वो अपनी लाइफ को फुली कंट्रोल में लाएं। ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पास्ट में आपसे इन्होंने जो भी सीक्रेट छुपाए हुए हैं, जो चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई, वो चाह रहे हैं कि आगे चल के आपको वो सब ऑनेस्टी से रिवील करें। आई फील लाइक वो अपने इमोशनल मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए आप पर रिलाई करते थे एंड अभी उनके अंदर सॉर्ट ऑफ ए डिज़ायर बनपा है कि उन्हें खुद को बैलेंस में रखने के लिए आपसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई सी ये डिज़ायर उनका बहुत ही टेम्पररी है, वो इसे जितना दबाएंगे आगे चल के ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उनके सामने एंड वो आपकी वैलिडेशन को यहाँ दोबारा सीक करेंगे। आई थिंक व्यूअर आपका पर्सन यहाँ दूसरे लोगों की वजह से भी डिस्ट्रैक्टेड है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, बट इन जनरल वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर से ज़्यादा कोलैबोरेट मिलजुल रहे हैं ताकि वो सॉर्ट ऑफ उनसे वैलिडेशन सीक कर पाएँ एंड खुद को कंट्रोल में फील करें। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बहुत पावरफुल एनर्जीज फील करने को मिल रही हैं, ऑलमोस्ट एज इफ वो लाइफ को यहाँ अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहते हों एंड खुद में सिक्योर और हैप्पी फील करना चाहते हों। आई फील व्यूअर आप उन्हें बहुत ही हैप्पी एंड सिक्योर फील करवाते थे एंड अभी सॉर्ट ऑफ उनकी लाइफ में इस चीज़ का लैक मुझे देखने को मिल रहा है। आई फील लाइक यहाँ पास्ट में डेफिनेटली कुछ तो सीक्रेट्स एंड मिसकम्युनिकेशन इन्वॉल्व था जो उन्हें खुल के आपके सामने आने से रोक रहा था, बट मेजरली मुझे यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन खुद में अंदर झांक के खुद को पहचानना चाहते हैं ताकि वो यहाँ कॉन्फिडेंट फील करें आपके साथ आगे बढ़ने से पहले। आपको इस वक्त उनकी वेट करने के अलावा वो सब करना चाहिए जो आप करना चाहते हो, बिकॉज मुझे वो कार्ड्स में इस वक्त बहुत ही आई मी और मैं टाइप्स जाते दिख रहे हैं जहाँ वो खुद में बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर रह चुके हैं। इन टर्म्स की वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आई गेट अ सेंस वो आपसे टच में रह के बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करते हैं। उनकी लाइफ में आपकी वजह से एक सडन स्पार्क और एनर्जी आ जाती है एंड आई फील मोस्टली ये एनर्जी आप ही की है, बिकॉज आप जाने अनजाने में उन्हें यहाँ अपनी बहुत एनर्जी पास ऑन कर देते हो टू अ लेवल जहाँ आप खुद कई बार ड्रेन फील करते हो। आई ऑल्सो फील कि वो यहाँ आपको एक खुली किताब की तरह देखते हैं या फिर समझते हैं। वो समझते हैं कि आप बहुत सॉर्टेड हो एंड आप पर किसी भी मैटर में आँख बंद करके 100% भरोसा करा जा सकता है एंड वो यहाँ आपकी इस एनर्जी को अभी मैच नहीं कर पा रहे। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को मैच करने के लिए ही उन्होंने आपसे यहाँ ये टाइम ऑफ लिया है। आई डेफिनेटली सी ये पर्सन इन जनरल आपसे कम मैच्योर है। इस पर्सन की आपको लेकर कोई बुरी इंटेंशंस नहीं है, वो आपको यहाँ चोट नहीं पहुँचाना चाहते एंड वो ऑनेस्टली इस वक्त खुद को जेन्युइन तरीके से ढूंढने में, बेटर करने में लगे हैं। उनके पास इस कनेक्शन में देने के लिए एनर्जी, टाइम दोनों ही नहीं है, बट आप यहाँ बैक ऑफ द माइंड हमेशा उनके ख्याल में चलते रहते हो जहाँ वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ देखते हैं। उन्होंने आपको कभी बोला नहीं होगा बट आई फील वो आपको आगे चल के बहुत ही खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं।
आपके पर्सन की मेंटालिटी इस वक्त ऐसी है जहाँ वो सोचते हैं कि अगर वो इस वक्त किसी भी रिलेशन में रहेंगे तो वो जो सब अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो उस पर ढंग से फोकस कर उसे पा नहीं सकेंगे। आपको लेकर उनके कोई नेगेटिव इंटेंशंस मुझे देखने को नहीं मिल रहे। इट्स जस्ट दैट आपको देने के लिए वो एनर्जी अपनी लाइफ में अभी फील नहीं कर पा रहे। आई डू गेट अ वाइब कि आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा कर देते हो, एक सेंस में आप उन्हें कंप्लीट फील कराते हो। आई सेंस कि आपका पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है, साथ ही साथ वो काफ़ी फोकस्ड भी हैं वो सब अचीव करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन में सपने देखते हैं या ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो एक्चुअली अपनी गोल्स की तरफ वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड आप हर वक्त उनके बैक ऑफ द माइंड में मौजूद हो। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें। आप इस पर्सन की लाइफ में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का रोल प्ले कर रहे हो एंड आई फील ये आपको लेकर बहुत ही ग्रेटफुल हैं, बिकॉज जितना पेशेंस आप इनके साथ रख रहे हो ये जानते हैं और कोई उतना पेशेंस नहीं रखता। ये पॉसिबल है कि इस कनेक्शन के एंड ने ही उन्हें अपनी लाइफ सॉर्ट करने पर, कंट्रोल में लाने पर मजबूर करा हो, बट आई डू सी वो आपको लेकर काफ़ी ग्रेटफुल हैं एंड आपने उन्हें लाइफ में बहुत हेल्प करा है। आई एम श्योर इस पर्सन के मन में आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एंड ये आपके साथ अपनी हैप्पीनेस को देखते हैं। आपका कनेक्शन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज जब आप दोनों ही अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होगे तो आप मिलकर लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हो। आई फील ये सेपरेशन की मदद से वो अपनी लाइफ से डार्क एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। वो आपको अपना इक्वल एंड काउंटर पार्ट देखते हैं बट स्टिल आपको खुद से बहुत ही बेहतर समझते हैं। उन्हें लगता है यू आर टू गुड फॉर देम, इसलिए वो खुद को आपके लिए बेटर करना चाहते हैं। आई ऑल्सो गेट अ सेंस कि वो अपनी फैमिली को यहाँ कुछ प्रूव करने में लगे पड़े हैं, वो कुछ फैमिली स्टफ से भी यहाँ डील कर रहे हैं और उस पर भी फोकस्ड हैं। व्यूअर, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर्सन को अपने दिल और दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्यों आप यहाँ उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे, देन इट्स बिकॉज यू आर मेंट टू बी विद ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए ही बने हो और इसीलिए आप इस सेपरेशन को लेकर इतने कंसर्न्ड हो। ये पर्सन अभी खुद की डार्क साइड को फेस करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप दोनों ही खुद पर काम करने के लिए वर्क कर रहे हो एंड डीप डाउन ये आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों को एक पॉइंट पर साथ आना ही है एंड उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे यहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जाने अनजाने में वो आप ही हो जिन्होंने इस पर्सन को अपनी डार्क साइड को देखने पर मजबूर करा है, जहाँ वो ट्रिगर हो गए हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में चीज़ें समेटनी है और वो पर्सन बनना है जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। आई डोंट फील उनकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए कभी भी जाने वाली हैं। वो अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं एंड अपना बैलेंस ढूंढने में लगे हैं। आई ऑनेस्टली फील वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना कि आप उन्हें करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। यहाँ आप वो लाइट हो जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई बिलीव आपकी फीलिंग्स बहुत ही रियल हैं एंड इसे एक्सप्लोर करा जाना चाहिए। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आए थे, लेकिन वो खुद उन पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे। ये पर्सन 100% आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आप जल्द इनसे कनेक्ट भी करोगे, बिकॉज ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, देन नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली टैरो रीड में। टिल देन, ब्लेस यू।